सफाई कर रहा है। आपको लग रहा होगा एक छोटा सा बच्चा सफाई कर रहा है, लेकिन आज मैं आपको एक जादू देके कैसे साफ कर रहा है अब बताऊंगा। तो देखिए, ये पैसे लेगा ना तो ऐसे तो साफ करके चलती है, पैसे तो ले लेता बस ऐसे ही सब। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो करने। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं फास्ट टैग के स्कैम के बारे में। फेसबुक पे एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, 2 दिन के अंदर हो गए हैं उस पर 20 मिलियन व्यूज। तो इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं कि वीडियो की क्या सच्चाई है, ये वीडियो रियल है या फेक है। तो सारी जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक बने रहना। मेरा नाम है शेरू, स्वागत है आपका टेक हुनर में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, बात करने वाले हैं इसी के बारे में कि ये वीडियो फेक है या रियल है। तो फ्रेंड्स, पहले मैं बता देता हूँ आपको कि इस वीडियो के अंदर क्या चीज़ बताई गई है। इसके अंदर बताया गया है कि एक गाड़ी आके रुकती है फास्ट टैग के लिए, यानी कि टोल पे आके रुकती है। तो वहाँ आपने देखा होगा कि बहुत से जने होते हैं जो आपकी गाड़ी को साफ करते रहते हैं, बहुत से जने कोई चीज़ें बेचते रहते हैं, पापड़, मूंगफली, पानी की बोतल, ऐसी चीज़ें बेचते रहते हैं। वहाँ जो लगा हुआ था स्कैनर वो ऊपर की तरफ लगा हुआ था, और जो आपकी गाड़ी में लगा हुआ था वो था बारकोड। वो स्कैनर आपके बारकोड को स्कैन करता है और आपका टोल कट जाता है ऑटोमेटिक, और आपकी गाड़ी चली जाती है, आपको रुकने की जरूरत नहीं पड़ती है। मगर वहाँ गाड़ी साफ करते करते एक बच्चा आता, गाड़ी को पहले साफ करता, पहले क्या करता थोड़ा सा वो बोनट को साफ कर रहा होता। बोनट को साफ करते करते क्या होता, वो गाड़ी के थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि उसकी हाइट थोड़ी सी कम होती है। छोटा बच्चा ये, करीबन 12 या 13 साल का बच्चा है। ये देखिए आप इस वीडियो के अंदर दिखा रहे हैं कि 12-13 साल का बच्चा टायर की सहायता से ऊपर की तरफ चढ़ता, ऊपर की तरफ क्या करता है फिर वो गिलास को साफ करने लग जाता। गिलास पे लगा हुआ था बारकोड, आपने देखा होगा कि बीच के अंदर लगा हुआ था बारकोड, कोई कोई साइड में लगाता वैसा अधिकतर बीच के अंदर लगा हुआ था। साफ करते करते उसने कहा, एक हाथ में स्मार्ट वॉच पहनी हुई है, स्मार्ट वॉच पहन रखी है उसने। उस स्मार्ट वॉच से क्या होता है कि वो जो बारकोड है वो ऑटोमेटिक स्कैन हो जाता है, स्कैन होके पेमेंट कर जाता है और पेमेंट चला जाता है सामने वाले के, जिसने फास्टैग उससे कनेक्ट कर रखा है वॉच से, यानी कि जो भी पेमेंट जाएगा उसके सीधा खाते में चला जाएगा, खाते में चला जाएगा। अब ये वीडियो रियल है या फेक है? तो फ्रेंड्स, गाड़ी को साफ करते करते वो स्कैन कर लेता है उसको, बारकोड को स्कैन करने के बाद वो गाड़ी से उतर जाता, कोई पेमेंट वेमेंट नहीं मांगता, कोई पैसा भी नहीं मांगता। वैसे गाड़ी साफ करने के बाद बोलते हैं कि भैया कुछ पैसे ऐसे दे दो, खर्ची वर्ची दे दो, हम कुछ खाई लेंगे ऐसे ऐसे, मगर वो कुछ नहीं मांगता। फिर गाड़ी वाला उसको खुद बुलाता आगे होके कि भैया आपने गाड़ी साफ करी है, पैसे ऐसे नहीं लेने हैं क्या? तो बोलता लेने हैं तो भैया पैसे दे दो। फिर वो उसको बोलता है कि बोले स्मार्ट वॉच आपने पहन रखी है? बोले किसकी? बोले मेरी है। बोले गाड़ी पे भी आप जब साफ कर रहे थे तो रेड कलर का स्कैन कुछ टाइप का हुआ था। लेकिन तो ये दोस्तों वीडियो रियल है या फेक है? तो दोस्तों ये मैं बता दूं आपको, ये वीडियो फेक है, ये स्क्रिप्टेड वीडियो है, यानी कि इस वीडियो को बनाया गया है। इस वीडियो के अंदर दिखाया गया है कि आपके साथ भी ऐसा फ्रॉड हो सकता है। इसके अंदर जो फास्टैग वाले हैं उन्होंने भी इस वीडियो को बिल्कुल फेक बताया। उन्होंने यही चीज़ बोली है कि ये जो भी जो दिया जाता है टोल का, जो काम दिया जाता है, ये सरकारी गवर्नमेंट लोगों को ही दिया जाता है, उसको अच्छी तरह से प्रूफ करके ही दिया जाता है। उसके बाद पेटीएम का भी ऐसा बोला जा रहा है कि यहाँ पेटीएम अपना फ्रॉड कर रहा था। पेटीएम ने भी ट्वीट करा इसके अंदर कि इस जियो वीडियो के अंदर दिखाया गया बिल्कुल फेक है, इसके अंदर हमारा कोई रोल नहीं है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ये ऐसा है, एक वीडियो को समझाया गया कि आपके साथ इस तरीके का फ्रॉड हो सकता है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी ध्यान ना दे दोस्तों, ऐसे वीडियो से बिल्कुल बचे। इस वीडियो पर 20 मिलियन व्यूज हो चुके हैं, लोग भाई इसको और ज़्यादा शेयर करे जा रहे। तो दोस्तों बस इतना सही था इस वीडियो के अंदर कि ये वीडियो फेक है, ज़्यादा शेयर ना करें और ज़्यादा अफवाहें ना फैलाएं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।